हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो के टाइटल और थंबनेल से दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आजकल पूरी दुनिया पागल है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग से शेयर करूंगा कि टेस्ला कौन सा मोबाइल लॉन्च करने वाली है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, क्या सच में रिलीज होगा और क्या सिर्फ रूमर्स रह जाएंगी। सो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। सो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एलॉन मस्क की कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, एंड टेस्ला के बारे में रूमर्स आ रही है कि टेस्ला एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च करने वाली है जिसका नाम होगा फोन पाए, यानी पाए फोन उसका नाम होने वाला है। सो अगर टेस्ला एक मोबाइल लॉन्च करती है सो एक बहुत बड़े कॉम्पिटिशन में उतर रही है जिसमें उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एप्पल रहने वाला है। अब एप्पल के बारे में दोस्तों आप लोगों को पता है कि एक ऐसी कंपनी है जो कि एक बहुत ही अमेजिंग मोबाइल लॉन्च करती है एंड हर एक महीने दो महीने के बाद एक अपना एक नया चिपसेट लॉन्च करती है, एक नया मोबाइल लॉन्च करती है। अभी रिसेंटली एप्पल वालों ने लॉन्च किया है iPhone 13 Pro Max जिसमें उन्होंने एप्पल A15 Bionic चिपसेट उन्होंने रिलीज किया है। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि A15 बायोनिक चिपसेट कितना एक पावरफुल चिपसेट है। अब इसी के साथ साथ लास्टली हमारे पास एप्पल उन्होंने लॉन्च किया था iPad Pro 5, उन्होंने लॉन्च किया जिसमें उन्होंने M1 चिपसेट को लॉन्च किया था। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि M1 चिपसेट को उन्होंने मैक से उठाकर डायरेक्टली iPad पे उतार दिया था। सो ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी काम है। सो मैं आप लोगों को बता दूँ कि एप्पल एक बहुत ही बड़ा कंपेटिटर है। अब इसी के साथ साथ अगर सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग ने भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन उठा रखा है जिसमें उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी F22 में Exynos 2200 को उतार दिया है, यानी Exynos 2200 एक बहुत ही बड़ा पावरफुल चिपसेट है। सो इसके साथ साथ अगर हुआवे की बात करते हैं तो हुआवे भी एक बहुत ही बड़ा कंपेटिटर है जिसने अभी रिसेंटली Mate 40 Pro में हमारे पास Canon 9000 5G उन्होंने लॉन्च किया है। सो ये तीन कंपनीज एक बहुत बड़ा कंपटीशन है टेस्ला के लिए जिसमें से मेन कंपटीशन जो है वो एप्पल है जो कि हर दो माह तीन माह के बाद एक अपना चिपसेट और एक नया मोबाइल और एक नया डिज़ाइन लॉन्च करती है। सो एप्पल वाले एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं। बट अगर टेस्ला की बात करते हैं तो टेस्ला भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में नई नहीं है, बहुत ही पुरानी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो टेस्ला ने अभी रिसेंटली हमारे पास टेस्ला इलेक्ट्रिक कार रिलीज़ की है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही है। सो टेस्ला इस तरह के काफी सारे अप्लायंसेस जो है वो लॉन्च कर चुकी है और लोगों ने उसे काफी पसंद भी किया है। सो अगर टेस्ला एक मोबाइल लॉन्च करते हैं तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाला है। बट टेस्ला के सामने एक बहुत बड़े कॉम्पिटिशन हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं जिसको उन्होंने कॉम्पैट करना है। अब इसी के साथ साथ अगर पाए फोन की बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, तो पाए फोन में हमारे पास जो मेन चीज़ है हमारे कैमरा की अगर बात करते हैं तो देखने के लिए मिल रहा है कि पाए फोन के बैक साइड पे आपको चार कैमरा देखने के लिए मिलेंगी जिसमें मेन कैमरा आपको 108 MP का देखने के लिए मिलेगा, सेकेंड कैमरा 50 MP का, थर्ड 50 MP का एंड फोर्थ जो है वो 5 MP का आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब मजे की बात आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे ये मिल रही है कि रूमर्स ये हैं कि वहाँ पर आप लोगों को जो पाए फोन में आप लोगों को अप टू 200x स्पेस जूम देखने के लिए मिलेगा। अब मजे की बात ये है कि आप लोग घर बैठ बैठ के स्पेस जूम कर सकते हो, यानी आप लोग जो मार्स को जूम करके चेकआउट कर सकते हो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एलॉन मस्क वहाँ पे कोई सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि 200x जूम बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर लॉन्च करती है तो ये एक पहला मोबाइल होगा जो कि 200x तक जूम कर सकेगा। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस मोबाइल में एक और ख़ास बात ये है कि ये नाइट विजन भी इसमें होगा, यानी आप रात को भी ऐसी तस्वीरें ले पाएंगे जिस तरह एक डे में आप लोगों को दिन को एक क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, उसी तरह से आप लोगों को जब रात को आप तस्वीरें लेते हैं तो उस तरह की आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। अब मजे की बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, एक और मजे की बात यह है कि जो पाए फोन के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके चार कैमराज जो वो डिफरेंटली परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट वर्क करेंगे। अब अगर एक कैमरा से आप वीडियो बना रहे हैं तो दूसरे कैमरा से आप पिक्चर्स बना ले सकते हैं। अब देखने के लिए या सुनने में ये एक इम्पॉसिबल सा काम लगता है, बट अब टेक्नोलॉजी है एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। अब एलॉन मस्क का भी आप लोगों को पता है वो एक नई टेक्नोलॉजी हमेशा लॉन्च करते रहते हैं। सो हो सकता है कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी लॉन्च कर दे मोबाइल में, सो ये मे भी हो सकता है। अब इसी के साथ साथ पाए फोन के बारे में ये कहा जा रहा है कि पाए फोन में जो चार्जिंग है वो सोलर चार्जिंग होगी, यानी सनलाइट से आपका मोबाइल चार्ज होगा। अब ये भी एक अजीब सी कहानी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेस्ला ही की कंपनी है जो कि सोलर पैनल्स बनाती है एंड रिसेंटली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कुछ घर बनाए हैं जिसमें उन्होंने पूरा जो सिस्टम है
उन्होंने सोलर पैनल से किया है। सो ये सोलर प्लांट्स भी टेस्ला वालों की है। सो ये चीज़ भी टेस्ला वाले बहुत ही अच्छे तरीके से, उन्हें पता भी है, वो अप्लाई भी कर सकते हैं। बट इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली बात ये कि जो पाई फोन है उसके एक मोबाइल की बैक साइड की जो जगह होती है वो काफ़ी छोटी होती है, और उसके अगर सोलर पैनल्स आप लगा भी देते हो सो वो इतने पावरफुल नहीं होते जो मोबाइल को चार्ज कर सके। और इसके साथ साथ दूसरा जो बड़ी मुश्किल है वो ये कि अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है सो उसको आप लोगों को सनलाइट के सामने रखना पड़ेगा, जो काफ़ी देर के बाद आप लोगों का मोबाइल चार्ज होगा। एंड मैं आप लोगों को पता भी है कि सनलाइट के सामने, यानी आप लोग कोई चीज़ रखते हो सो वो अगर मेटल की होती है, कुछ भी होती है, सो वो गर्म होती है, हीट करती है। सो आप लोगों को पता है कि अगर मोबाइल हीट करता है तो कितना बंदे को इरीटेशन होती है। सो ये चीज़ जो है वो काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन है टेस्ला वालों के लिए अगर वो मोबाइल में लॉन्च करते हैं सोलर चार्जिंग। सो सोलर चार्जिंग से ड्रॉबैक्स ये होगा कि आपका मोबाइल भी बड़ी लेटली चार्ज होगा, एंड सेकेंडली ये कि आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट करेगा। सो ये मुझे नहीं लगता कि सोलर चार्जिंग किसी भी मोबाइल में अभी रिलीज होने वाला है और किसी को या कोई इस तरह सोच रहा है। एंड इसी तरह के अगर चिपसेट की बात करते हैं सो टेस्ला वालों ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया कि वो कौन सा चिपसेट रिलीज करने वाले हैं, बट रूमर्स में देखने के लिए मिल रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि वो अगर अभी लॉन्च करते हैं टेस्ला मोबाइल सो 895 चिपसेट रिलीज करेंगे या 898 चिपसेट, उन्होंने स्नैपड्रैगन 898 रिलीज करेंगे। और हो सकता है कि वो एक अपना चिपसेट रिलीज करें जैसे सैमसंग वाले एक्जीनोस बनाते हैं और आईफोन वाले जो है बायोनिक चिपसेट रिलीज करते हैं, इसी तरह से कैरन चिपसेट आता है, मीडियाटेक चिपसेट आते हैं, तो इसी तरह से अगर वो जो टेस्ला वाले रिलीज करते हैं सो हो सकता है कि वो एक अपना चिपसेट रिलीज कर सकते हैं अगर वो रिलीज करना चाहे तो। बट ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है एंड बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन है, बट अगर होता है तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन रहने वाला है। इसके साथ साथ कहा ये जा रहा है, रूमर्स में ये आ रहा है कि पाई फोन में आप लोगों को न्यूरो टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी, न्यूरो लिंक टेक्नोलॉजी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि टेस्ला एलन मस्क की ही एक कंपनी है न्यूरो लिंक, जिसमें वो एनिमल्स पे अप्लाई कर रही है कि एनिमल्स को वो ब्रेन को कैसे उन्होंने रीड करना है, कैसे रीड कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये मोबाइल पे लॉन्च किया जाए तो आप मोबाइल को बिना टच किए, बिना ही उसको देख टच किए आप मोबाइल को यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे कहानी यहाँ पर ख़राब होती है कि न्यूरोलिंक जो कंपनी है वो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है, जहाँ पे वो एनिमल्स पे ही अभी अपना सक्सेसफुल हो पाई है, कुछ एनिमल्स पे ही सक्सेसफुल हो पाई है, और उसमें अभी तक एनिमल्स से जाकर ह्यूमन ब्रेन तक आना एंड फिर ह्यूमन ब्रेन से आप लोग एक एंड्रॉयड डिवाइस को यूज़ करना या किसी भी मोबाइल को यूज़ करना, सो एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है एंड मुझे नहीं लगता कि ये अभी अगले 5 या 10 साल तक पॉसिबल हो पाएगा। सो न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली अभी रिलीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि ये अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे होने वाली है। अब पाई फोन में अगर कोई चीज़ रिलीज़ होने वाली है और कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कर सकते हैं या कोई बहुत ही ज़्यादा सुपर चीज़ है तो वो है सैटेलाइट इंटरनेट। अब टेस्ला की एक पार्टनर कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक कंपनी, एंड स्टारलिंक कंपनी के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। अब स्टारलिंक कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है, आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरीके से पता होगा। अब सैटेलाइट इंटरनेट अगर इसमें प्रोवाइड करती है पाई फोन में आता है तो सैटेलाइट इंटरनेट से क्या होगा कि आपका मोबाइल कहीं पर भी किसी भी जगह पर गाँव में पहाड़ों पर सहरा पर कहीं पर भी आप लोग मोबाइल में इंटरनेट को सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। एंड इसमें मज़े की बात यह कि आप लोगों को इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा मिलती है, यानी तकरीबन 150 MB के आसपास आप लोगों को डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड देखने के लिए मिल सकेगी। अब यहाँ पर कहानी ये ख़राब है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ। पहली बात ये कि मोबाइल को किसी भी मोबाइल में हम जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप लोग या वाईफाई के थ्रू यूज़ करते हैं या आप लोग डाटा सिम डाटा के थ्रू आप लोग यूज़ करते हैं, बट सैटेलाइट इंटरनेट उसमें आता है, पाई फोन में आता है, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को सिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना सिम के बिना वाईफाई के आप कभी भी कहीं पर भी इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। और इस सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एलन मस्क को एलन मस्क की ही एक कंपनी है, स्पेसएक्स कंपनी है, उसकी मदद लेनी पड़ेगी, जिसमें से उन्होंने छोटे छोटे सैटेलाइट्स को दुनिया के आसपास उन्हें भेजने पड़ेंगे, जिससे वो इंटरनेट हर मुल्क में हर जगह पर प्रोवाइड कर सकें। सो ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है और ये एलन मस्क कर भी सकते हैं, जिसमें उनकी कंपनी है स्टारलिंक, जो डेफिनेटली इस चीज़ को पॉसिबल कर सकती है एंड जो कि बहुत ही अमेजिंग बना देगी इस मोबाइल को। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं इस मोबाइल में एक और फीचर ये आने वाला है कि जो टेस्ला पाई फोन से आप टेस्ला कार्स को कंट्रोल कर सकोगे। एंड डेफिनेटली आप लोगों को पता ही है कि टेस्ला एक कार कंपनी है एंड अगर वो अपना मोबाइल लॉन्च करती है तो उससे आप अपने उस टेस्ला कार्स को तो डेफिनेटली आप लोगों कंट्रोल कर ही सकोगे। एंड इसके साथ साथ एक और फीचर आप लोगों को देखने के लिए ये मिलेगा कि पाई फोन के बॉटम में आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा, जो कि अभी बहुत ज़्यादा कंपनीज
ऑलरेडी दे चुकी है। सो ये कुछ हमारे पास रूमर्स थे एंड कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, एंड मे बी कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड है जो हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी बिल्कुल नहीं हो सकती, जो कि लॉन्च होने की बिल्कुल भी लॉन्च नहीं हो सकती। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों ने खुद बताना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि क्या डेफिनेटली इस तरह हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, एंड मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पर आप लोगों को एक डिटेल वाइज आर्टिकल्स देखने के लिए मिलती रहती हैं, एंड इस न्यूरोलिंक और इस पाइफोन के बारे में भी मैं वहाँ पर डेफिनेटली एक पूरा आर्टिकल लिखूंगा। सो आप लोगों ने डेफिनेटली वहाँ पे जाकर सारे आर्टिकल को चेकआउट ज़रूर करना है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर।